हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, हमने आपको अपने वीडियोस में इंडियन रेलवेज के ट्रेनों में क्या क्या सुविधाएं मिलती है उसके बारे में बताया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2023 में थर्ड एसी कोचेस में यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। कुछ इसमें अच्छी अच्छी सुविधाएँ रेलवे पैसेंजर को देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, थर्ड एसी का कोच बहुत फेवरेट है पैसेंजर्स का। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जो कि पहले स्लीपर क्लास में ट्रैवल किया करते थे, परंतु अब वो अपग्रेड करके थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं। और कितने यात्री थर्ड एसी में ट्रैवल करना चाहते हैं, परंतु ऐसे बहुत सारे यात्री हैं जिनको नहीं मालूम कि थर्ड एसी कोचेस में यात्रियों को क्या सुविधाएँ दी जाती है रेलवे द्वारा। दोस्तों, थर्ड एसी के कोचेस में लगभग 72 सीट्स होती हैं। इसमें एक कैबिन में 6 सीट्स रहता है और साइड में 2 सीट रहता है। कैबिन में लोअर, मिडल, अपर और उसके ऑपोजिट सेम और साइड में साइड लोअर और साइड अपर रहता है। लोअर सीट और साइड लोअर के सीट यात्री अपना सामान रख सकते हैं। और हर कैबिन में मिरर दिया गया है। मोबाइल, लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट रहता है। देन वाटर बॉटल्स रखने के लिए बॉटल होल्डर रहता है। थर्ड एसी का कुछ पूरी तरह से वातानुकूलित रहता है। दोस्तों, कोरोना के पहले थर्ड एसी कोचेस में ट्रैवल करने यात्रियों को लिनन दिया जाता था, जैसे कि कंबल, चादर, बेडशीट। परंतु जब कोरोना आया, उस टाइम पर रेलवे ने लिनन सर्विसेस बंद कर दिया। वो पैसेंजर्स को कंबल, चादर, बेडशीट, तकिया नहीं देती थी। परंतु 2022 जून के बाद रेलवे ने अनाउंस किया कि अब पैसेंजर्स को यात्रा के दौरान कंबल, चादर, बेडशीट, तकिया ये सब दिया जाएगा। उसके बाद कुछ कुछ ट्रेन्स में धीरे धीरे ये सर्विसेस चालू हो गई। परंतु अब साल 2023 में लगभग अब सारे ट्रेन्स में पैसेंजर्स को यात्रा के दौरान थर्ड एसी में कंबल, चादर, बेडशीट ये सब दिया जाएगा। तो अब घर से कंबल चादर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रेन्स में ही ये सब मिलेगा पैसेंजर्स को। थर्ड एसी के ट्रेन्स में अभी नए जो एलएचबी कोचेज आ रहे हैं, उसमें रीडिंग लाइट्स लगे रहते हैं, जिससे कि आप यात्रा के दौरान न्यूज़पेपर, बुक्स ये सब पढ़ सकते हैं। और अभी थर्ड एसी यात्रियों के लिए रेलवे ने एक नया कोच स्टार्ट किया है, थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास। ये थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास में आधुनिक सुविधाएं दी गई है। वहाँ पे एक बेनिफिट क्या है कि जो एसी का पैनल हो साइड में दिए गए सीट के बाजू में, वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे आप एसी का टेम्परेचर अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि अभी तक दूसरे कोचेज़ में ये नहीं दिया गया है। तो ये थर्ड एसी इकोनॉमी नए कोचेज़ में ये सब दिया है रेलवे ने। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन इंडिकेटर लगाया गया है, जिससे कि यात्रा के दौरान मालूम पड़ता रहेगा यात्रियों को कि कौन सा स्टेशन आया है, कौन सा स्टेशन आने वाला है, ट्रेन कितनी स्पीड में चल रही है। दोस्तों, थर्ड एसी के कोचेस में 4 टॉयलेट दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आप थर्ड एसी कोचेस में प्रीमियम ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस हो गए, दुरंतो एक्सप्रेस हो गए, तेजस एक्सप्रेस हो गए, इन सारे ट्रेन्स में आपको यात्रा के दौरान फूड मिलता है, जिसका आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि इसका प्राइस जो है कि टिकट में ही इंक्लूड रहता है। तो यात्रा के दौरान आपको पैंट्री से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब टाइम टू टाइम सर्व किया जाता है। ये एक खास सुविधा रेलवे प्रीमियम ट्रेन्स में पैसेंजर्स को देता है। और अगर आप मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रेन में पैंट्री कार अवेलेबल है, तो वहाँ से आप पैसे देकर खाना ऑर्डर कर सकते हैं। और एक कभी नया एक सर्विसेज है जहाँ पे आप ऑनलाइन फूड भी मंगा के खा सकते हैं। दोस्तों, थर्ड एसी कोचेस में भी साफ़ सफाई का अच्छा ध्यान रखा जाता है। वहाँ पे क्लीनिंग स्टाफ रेगुलर इंटरवल्स पे आपके कोच की साफ़ सफाई किया करते हैं, वॉशरूम की सफाई किया करते हैं। अगर आपको वॉशरूम गंदा दिख रहा हो या आपका कोच गंदा दिख रहा है, तो कोच में ही आपको क्लीनिंग स्टाफ का नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैनेजर को कॉल करके बुला सकते हैं साफ़ सफाई कराने के लिए। या फिर आप ट्विटर पे कंप्लेन रेज कर सकते हैं, या रेलवे का हेल्पलाइन नंबर 139 पे कॉल करके अपना कंप्लेन
बुक कर सकते हैं। ट्रेन्स में आपके सुरक्षा का भी अच्छा ख्याल रखा जाता है, वहाँ पे आरपीएफ पर्सनल कोचेस में राउंड लगाते रहते हैं। इवन यात्रा के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टीटी से भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये थी सारी डिटेल्स जो कि इंडियन रेलवेज पैसेंजर्स को सुविधा देता है थर्ड एसी कोचेस में। ऐसा और भी अच्छे अच्छे फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस करने वाला है रेलवे आगे फ्यूचर में, तो सबकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपने कभी थर्ड एसी में ट्रैवल किया हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Thank you.